ভোট পরবর্তী হিংসা তথা বোমাবাজি অব্যাহত ভাটপাড়া এলাকায়। ভাটপাড়া পৌরসভার 10 নম্বর ওয়ার্ডে প্রেমচাঁদ নগর এলাকায় রাজু লহরি নামে এক বিজেপি কর্মীর বাড়ি লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা বোমাবাজি চালায়। গতকাল রাতে এই বোমাবাজির ঘটনায় ওই বিজেপি কর্মীর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও কেউ হতাহত হয়নি, তবে ওই ঘটনায় বিজেপি কর্মীর পরিবার যথেষ্টই আতঙ্কিত। सोए थे हम लोग, बच्चा के चले के अपना ऐसा बम फटा कि मेरे घर में पूरा धुआं धुआं भी भर गया, पूरा इंजोरा फैल गया। हम लोग तो डर गए, बम कभी देखे नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं है। हैंडीकैप मेरा बेटी भी है, बच्चा लोग को उठाए, कितना रोने चिल्लाने लगे, माँ लोग भी आए दौड़ा दौड़ी करके, बच्चा लोग लेके निकले, पूरा धुआं धुआं भर गया, पूरा एकदम काला सा छा गया, पूरा इंजोरा हो गया। हम लोग तो डर गए, बाहर निकले बच्चा लेके, प्लस कमाड़ी जब सवेरे हुआ, रात में तो हम बैठ के गुजर किए हैं, सवेरे जब हुआ 4 बजे तो मेरा 4 बजे हमको बोले कि गेट खोल के थोड़ा देखे क्या है नहीं है, मेन दरवाजा खोले तो यहाँ पे बम रखा हुआ था और सारा रात हम सोए नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बोले हैं। बहुत याद हो रहा था और अचानक से ऐसे आवाज़ आया ना, तो कांच टूट गया था। मम्मी बोली कि जल्दी से दादी को बुला, और बुरा एकदम डर का माहौल था। फिर दादी आई, बोली कि चलो 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 जल्दी चलो। फिर दादी के रूम में जाकर ऐसे सो गया, फिर यहाँ पे ऐसे ही रहने दी, कुछ नहीं डर लग रहा बहुत। और उसके बाद फिर सुबह हुआ तो फिर मम्मी खोली थी तो देखी थी जो दरवाजे के पास ही रखा हुआ था। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। কে বা কারা এই ঘটনায় যুক্ত তা বুঝে উঠতে পারছে না কেউ। একই ছবি দেখা গেল নোয়াপাড়া থানার পিনকল মোড়ে। নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়া পুরসভার পিনকল মোড়ের কাছে ঘোষপাড়া রোডের ধারে গতকাল রাতে বোমা মারে দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, ব্যারাকপুরের দিক থেকে অটোতে চেপে দুষ্কৃতীরা এসে ঘোষপাড়ায় রাস্তার ধারে একটি রেশন দোকানের সামনে বোমা মারে। স্থানীয় বাসিন্দা আতঙ্কের স্বরে বলেন, हम तो घर में हम लोग खाना खा रहे थे, और हम जब आवाज़ हुआ दरवाज़ा खोलने के बाद, जब खोले तो पूरा धुआं धुआं यहाँ पर हो गया था। हम लोग बाहर आके देखे तो पूरे कोई से पूरा धुआं ही था। इसके बाद में पब्लिक भी आया आके, यहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ, उसमें आदमी देखा नेमत को ऑटो से आके कोई बम फेंका और फेंक के ऑटो लेके चला गया। बोमाबाजी घटना आतंक के स्थानीय व्यवसायी। ब्यूरो रिपोर्ट, नोबेल बांग्ला।